हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न वेल फार्मा में। तो हम बात कर रहे थे ब्लड के टॉपिक के ऊपर। तो ब्लड के टॉपिक पे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा डब्ल्यूबीसीज। तो डब्ल्यूबीसीज, इसको व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोला जाता है और इसका अदर नेम क्या है, लीकोसाइट्स। लीको मतलब व्हाइट और साइट्स मतलब सेल। तो अब हम डब्ल्यूबीसीज के फीचर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं कि डब्ल्यूबीसीज के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो आइए फीचर्स पर बात करते हैं। दे आर कलरलेस सेल कंटेनिंग ए न्यूक्लियस। जो हमारी डब्ल्यूबीसीज होती है कैसी होती है, कलरलेस होती है, इन पर कोई भी कलर नहीं होता है और जो एक न्यूक्लियस को कंटेन करती है। मच लेस न्यूमरस देन आरबीसीज, ओनली 4,000 to 11,000 पर mm की क्यूब। तो ये हमारी जो होती है नंबर्स में, काउंटिंग में अगर देखा जाए तो हमारी ये आरबीसीज से कम होती है। कितना इनका काउंट होता है, 4,000 से 11,000, और जो इनको मापा जाता है वो mm की क्यूब में मापा जाता है। प्रोड्यूस इन रेड मैरो ऑफ स्पॉन्जी बोन। जो ये प्रोड्यूस होती हैं कहां पे, स्पॉन्जी बोन में, स्पॉन्जी बोन के रेड मैरो में। लार्जर देन रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज। अगर इनके साइज के बारे में हम बात करें डब्ल्यूबीसीज के, तो इनका साइज के बारे में अगर हम अच्छे से देखें तो इस साइज में डब्ल्यूबीसीज जो हमारी आरबीसीज से कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं, लार्जर होती हैं। लोब न्यूक्लियस, जो इनका न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, लोब मिलता है, लोब टाइप का होता है। अगर हम इनके जीवन काल की बात करें, कितना लाइफ स्पैन हमारी बॉडी में करती हैं ये, तो लाइफ स्पैन ए फ्यू आवर्स मतलब कि कुछ घंटे, यानी कि 18 से 36 घंटे हमारी बॉडी में लाइफ स्पैन करती हैं। और कितने दिन तक, 18 से 36 से 14 दिन तक, 14 डेज तक, अगर हम डब्ल्यूबीसीज की बात करें। और इसके अगर टाइप्स की बात करें तो टाइप्स के लिविंग कितने उसमें होते हैं, 3-4 मंथ्स। जो इसका जो टाइप्स के बारे में अगर बात करते हैं तो टाइप्स हमारी बॉडी में 3 से 4 मंथ तक जिंदा रहते हैं। और अगर हम इसके टाइप्स जाने, टाइप्स कौन कौन से होते हैं डब्ल्यूबीसीज के, तो हमने आपको पहले वीडियो में बताया था एक ग्रेन्यूलोसाइट, एक ए ग्रेन्यूलोसाइट। ग्रेन्यूलोसाइट्स कौन से होते हैं, जहां ग्रेन्यूल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, जहां हमारे ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, वहां 3 टाइप्स की डब्ल्यूबीसीज हमारी मिलती हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इज़नोफिल्स। और जहां पे हमारे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि एब्सेंट होते हैं, उसको बोलते हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट। ए ग्रेन्यूलोसाइट्स में क्या है, हमारे 2 टाइप्स की डब्ल्यूबीसीज होती हैं, एक लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट। ग्रेन्यूलोसाइट्स जहां पे हमारे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट थे, तो ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म, जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूलोसाइट्स। द मैच्योर न्यूक्लियस, जिनका मैच्योर न्यूक्लियस होता है और जहां पे 2 से 5 लोब हमारे पाए जाते हैं। प्रोड्यूस इन द रेड बोन मैरो, जो कहां प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारे रेड बोन मैरो में, जिनको हम अदर नाम से क्या कहते हैं, हंग्री ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। अब हम ग्रेन्यूलोसाइट्स के, अब एक जो उसके 3 पार्ट्स थे, तो उसके पहले पार्ट में बात करेंगे हम किसका, न्यूट्रोफिल्स के बारे में। न्यूट्रोफिल्स का दूसरा नाम क्या है, पॉलीमॉर्फ्स। तो इसका जो लाइफ स्पैन है वो लगभग 5 डेज का लाइफ स्पैन होता है न्यूट्रोफिल्स का। अब इसके फीचर्स, इसके बारे में बात करें कि ये काम क्या करता है न्यूट्रोफिल्स हमारा, तो इट अकर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 65 to 70%। और अगर इसकी काउंटिंग के बारे में बात करें तो 3,000 से 6,000, मतलब कि जो हमारा ये न्यूट्रोफिल्स है, ये डब्ल्यूबीसी का कितना पार्ट होता है, 65 से 70% होता है। और अगर काउंटिंग की बात करें तो 3,000 से 6,000 लगभग हमारी न्यूट्रोफिल्स की जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट रहती हैं बॉडी में। प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। मेनली ये पूछा जाता है कि न्यूट्रोफिल्स का मेन काम क्या होता है, तो ये क्या काम करता है, एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है अपना, किसमें, डिफेंस मैकेनिज्म में, मतलब कि हमारे जो बॉडी में माइक्रो, जो बॉडी है हमारी उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है उसके अगेंस्ट में डिफेंस का काम ये करता है, कौन, न्यूट्रोफिल्स। इट प्रोवाइड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब इसमें देखो, फर्स्ट लाइन डिफेंस का जो कहा गया है, ये हमारा जो डिफेंस का काम है फर्स्ट कौन करता है, न्यूट्रोफिल्स करता है, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में, इनवेंडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारा न्यूट्रोफिल्स पहले, सबसे पहला क्या काम है इसका, डिफेंस का काम करता है किसके खिलाफ, इनवेंडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, और ये फर्स्ट लाइन क्रिएट करता है अगेंस्ट द इनवेंडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ में, ठीक। तो अब हम बात करते हैं इसका अदर काम क्या है, इट एक्सिलरेट द एग्रावेशन ऑफ प्लेटलेट ड्यूरिंग इंजरी टू द ब्लड वेसल्स, रिजल्ट इन प्रिवेंशन ऑफ एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। मतलब जब हमारे ब्लड वेसल्स में कोई भी इंजरी हो जाती है, तो इंजरी के दौरान क्या होता है, हमारा ब्लड लॉस होना शुरू हो जाता है,
तो न्यूट्रोफिल्स का काम क्या होता है बेसिकली, तो ये हमारा एक्सीलरेटर ना एग्रावेट करता है किसको, प्लेटलेट्स को। अब प्लेटलेट्स का जो काम होता है, उनका काम होता है ब्लड लॉस होने से बचाना। तो इसका काम क्या है, ये एग्रावेट करता है किसको, प्लेटलेट्स को एग्रावेट करता है। जैसे ही प्लेटलेट को एग्रावेट करता है तो प्लेटलेट अपना फंक्शन करना शुरू करती है, और अपना फंक्शन शुरू जैसे करती है वो, तो वो हमारे जो बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा है एक्सेस मात्रा में, तो उसको रोक देती है। नाम है बेसोफिल। बेसोफिल को बोलते हैं मोस्ट सेल, जिसमें ग्रेन्यूल्स स्टेन ब्लू विथ बेसिक डाई, इट कंटेन हिपेरिन। जो क्या नाम है, बेसोफिल हमारा क्या कंटेन करता है, इट कंटेन हिपेरिन हिस्टामिन एंड काउंट 0 से 1%। अगर परसेंट में इसकी बात की जाए तो WBC का 1% लगभग होता है, और इसकी अगर काउंट करें हम नंबर्स में तो 0 से 100 लगभग सेल्स मिलती हैं WBCs में, किसकी, बेसोफिल्स की। तो इट आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन हीलिंग प्रोसेस, सो देयर नंबर इंक्रीजेस ड्यूरिंग हीलिंग प्रोसेस। तो ये जो वर्ड कह रहा है, हमारा जो हीलिंग प्रोसेस के दौरान इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है बॉडी में, और जब हीलिंग प्रोसेस की जो प्रक्रिया होती है तो उस दौरान इसके हमारे बेसोफिल्स के जो नंबर है वो इंक्रीज होने लगते हैं। आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जी और एक्यूट सेंसिटिविटी रिएक्शंस। जब हमारे बॉडी के अंदर जो एलर्जी में भी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है बेसोफिल का, और जो एक्यूट एक्टिविटीज रिएक्शंस होते हैं बॉडी के उसमें भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हिपेरिन जो इसके अंदर पाया जाता है इज इसेंशियली टू प्रिवेंट द इंट्रावेस्कुलर ब्लड क्लॉटिंग। जो बॉडी के अंदर जो इंट्रावेस्कुलर ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है उसमें हिपेरिन एक प्रिवेंशन के रूप में एक मेन रोल अपना प्ले करता है। इजनोफिल, तो इजनोफिल में ग्रेन्यूल्स टेक अप स्टेन द न्यूक्लियस टू लोब। जो जिसका जो न्यूक्लियस होता है वो कितने लोब, 2 लोब का मिलते हैं उसमें, और जो उसका नॉर्मल काउंट अगर बात करें हम तो 2 से 4% होता है परसेंटेज में, और अगर नंबर्स में बात करें तो 150 से 450 पर क्यूबिक mm हमको मिलता है WBCs का टोटल का। इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी अगेंस्ट द पैरासाइटिक्स ड्यूरिंग पैरासाइटिक इन्फेक्शन। मतलब जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म में ये काम करता है, जैसे हमारा न्यूट्रोफिल्स करता था, न्यूट्रोफिल्स हमारा काम करता है किसमें, इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म अगर कोई आया है तो उसके अगेंस्ट वर्क करता था। सेम ही ये डिफेंसिंग मैकेनिज्म में काम करता है, ये करता है हमारा जब कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन बॉडी के अंदर आता है तब हमारा इजनोफिल्स उसके अगेंस्ट में वर्क करता है। इजनोफिल्स काउंट इंक्रीज आल्सो ड्यूरिंग एलर्जिक डिजीज लाइक अस्थमा। अगर एलर्जिक डिजीज कोई बॉडी के अंदर हुई है तब भी हमारा इजनोफिल्स का काउंट बढ़ता है। जैसे कि अगर एलर्जिक डिजीज हम ले तो अस्थमा एक ऐसी डिजीज है जो जिसमें हमारा इजनोफिल्स का काउंट बढ़ना शुरू हो जाता है। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन डिसइंटीग्रेशन एंड रिमूवल ऑफ फॉरन प्रोटीन। अगर हमारा इजनोफिल की बात करें तो ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, डिसइंटीग्रेशन एंड रिमूवल ऑफ फॉरन प्रोटीन। मतलब डिटॉक्सिफाई करता है किसको, ये हमारे ब्लड को, और डिसइंटीग्रेशन करता है और जो फॉरन प्रोटीन बॉडी के अंदर आती है उसको रिमूव करता है।